मुंबई और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में मैच इतना रोमांचक हो गया कि आखिरी ओवर तक ये कह पाना मुश्किल हो गया था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, लेकिन बाजी मारी दिल्ली कैपिटल्स ने। एक वक्त लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है, लेकिन आखिरी वक्त में मैच ने ऐसी करवट बदली कि दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीत गई। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के सामने मात्र 130 रनों का लक्ष्य रखा था। लगने लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। दिल्ली कैपिटल्स के 93 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे, तब मुंबई इंडियंस की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन अश्विन और अय्यर ने शानदार साझेदारी कर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने एक विकेट, जसप्रीत बुमराह ने एक और सभी गेंदबाजों ने एक एक विकेट लिया। इस आईपीएल में जिस तरह से मुंबई की खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली, वो शायद ही पहले कभी आईपीएल में देखने को मिली होगी। देखना होगा कि रोहित शर्मा इस हार के बाद किस तरह से अपनी टीम की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।